नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन बहुविकल्पी है, इसलिए थोड़े से क्वेश्चन को हमने कम ही लिए हैं ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। और देखते हैं आज के हमारे जो 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित, चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये क्वेश्चन आपको आने वाली आपकी जो एग्जाम होगी उसके लिए काफी उपयोगी साबित होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। अस्थि में कौन सा लवण जो होता है सबसे ज्यादा मात्रा में होता है? तो देखिए, अस्थि के अंदर कौन सा लवण होता है? मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड या फिर कैल्शियम फास्फेट। इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपने आपको भी टेस्ट कर सकते हैं कितने प्रश्न आप यहाँ पर सही करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी, कैल्शियम फास्फेट जो होता है ये लवण अस्थियों में ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा अदरक का जननांग होगा? जड़, पत्ती, तना या फिर बीज। तो अदरक का जननांग जो होता है उसका तना होता है, ऑप्शन जो सी होगा यहाँ पर इसके लिए बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। हैवर्सियन नलिकाएं और तंत्र जो होते कहाँ पाए जाते हैं? उपास्थियों में, स्तनियों की अस्थियों में या फिर स्तनियों के अंतःकरण या कशेरुकियों की मेरुरज्जु में। तो देखिए, हैवर्सियन नलिकाएं, हैवर्सियन तंत्र जो होते हैं ये पाए जाते हैं स्तनियों की जो अस्थियां होती हैं उनके अंदर। हैवर्सियन नलिकाएं और हैवर्सियन जो तंत्र होते हैं ये पाए जाते हैं। तो यहां पर ऑप्शन जो बी होगा, स्तनियों की अस्थियां। अगला बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, वयस्क मानव शरीर में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन बहुत सरल है, हम जानते हैं कि मानव के अंदर 206 अस्थियां होती है। परंतु यही प्रश्न जो होता ना थोड़ा सा इस प्रकार से पूछ लिया है कि जन्म के समय में मानव में कितनी अस्थियां होती है या जन्म के समय बच्चे में कितनी अस्थियां होती है। तो देखिए, जन्म के समय की जब बात आती है तो वहां पर आपका उत्तर 300 होगा, और एक वयस्क मानव की बात हो रही है तो उत्तर आपका जो होगा 206 होगा। और क्योंकि जन्म के पश्चात जो होती है धीरे धीरे जो वयस्कता की ओर बढ़ता है तो अस्थियां जो होती है वो जुड़ जाती है। चलिए, इस प्रकार से 206 उनकी संख्या रह जाती है। शरीर के सबसे मजबूत पेशियां कौन सी होती है? तो यहाँ पर जबड़े, जांघों या पीठ या हाथों की पेशियां। तो यहाँ पर सबसे मजबूत पेशी के अंदर आती है हमारे जो जबड़े की जो पेशियां होती है ये, और इसे मैसेटर मसल के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में गिद्धों की कमी का प्रमुख एक अत्यधिक कारण क्या रहा? विषाणु संक्रमण, जीवाणु संक्रमण, जानवरों को दर्द निवारक देना या फिर जानवरों को एस्ट्रोजन इंजेक्शन देना। तो देखिए, जानवरों को दर्द निवारक देना ये गिद्धों की कमी के लिए एक प्रमुख कारण रहा है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी जो है ये होता है गंगा की डॉल्फिन जो होती है, ये भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, यहाँ पर कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? हॉर्नबिल, हमिंगबर्ड, गल या कटफोड़वा। तो हमिंगबर्ड जो होता है ये सबसे छोटा अंडा देता है, ऑप्शन बी होगा यहाँ पर उत्तर। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, फेरामोन सामान्यतः उत्पन्न किए जाते हैं सांपों, पक्षियों, चमगादड़ या फिर कीटों के द्वारा। तो देखिये, फेरामोन्स जो होते हैं एक प्रकार की हार्मोन्स ही होते हैं जो वायु में कीटों के द्वारा छोड़े जाते हैं, और ये एक कीट से दूसरे कीट तक सूचनाओं या संदेशों का आदान प्रदान इनके माध्यम से करते हैं। चलिए ऑप्शन जो डी होगा हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं मत्स्य, उभयचर, सरीसृप या फिर स्तनी में। तो देखिए, डॉल्फिन मछली जरूर है पर ये स्तनी वर्ग में रखा गया है, ऑप्शन जो डी होगा यहाँ पर स्तनी वर्ग ये हमारा इसमें सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग में आने वाली कीट भक्षी मछली। तो देखिए, कीट भक्षी मछली यहाँ पर पहचानना हिल्सा लेबिया, गैम्बुसिया या फिर मिस्टर्स। तो गैम्बुसिया जो मछली होती है ना ये यहाँ पर मच्छरों के अंडों को और मच्छरों को खाने वाली मछली होती है गैम्बुसिया। अगला क्वेश्चन आता है, फिबुला हड्डी कहाँ स्थित है? खोपड़ी, हाथ में, टांग में या फिर वक्ष में। तो फिबुला जो होती है टीबिया फिबुला ये होती है हमारी टांग में यानी कि पैर के अंदर होती है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, मानव की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी जा चुका क्वेश्चन है। तो यहाँ पर फीमर जो होती है जो कि हमारी जांग यानी कि टांग में पाई जाने वाली अस्थि होती है फीमर, ठीक है ना, ये सबसे लंबी अस्थि होती है। तो यहाँ पर
सी हमारा इसमें उत्तर होगा फीमर। अगला क्वेश्चन आता है, स्तनियों में बाह्य कंकाल का उदाहरण है। तो बाह्य कंकाल का मतलब क्या होता है, जो शरीर से बाहर स्थित होते हैं उन्हें हम बाह्य कंकाल कहते हैं। सामान्यतः कंकाल कहाँ होता है, शरीर के अंदर स्थित होता है। तो बाह्य कंकाल के अंतर्गत आते हैं हमारे जो नाखून होते हैं, बाल और खुर जो होते हैं, जिन्हें हम काटते हैं और काटने पर हमें दर्द महसूस नहीं होता है, ये हमारे बाह्य कंकाल के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पैरों की लंबी तथा खोपड़ी की अस्थियों से भरी हुई अस्थि मज्जा किसका निर्माण करती है। तो सीधा प्रश्न का मतलब यहां पर है कि अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है, वसा का, हार्मोन्स का, प्रोटीन का या फिर रुधिराणों का। तो पैरों की जो लंबी और खोपड़ियों के अंदर जो अस्थियां पाई जाती है ना, इनमें अस्थि मज्जा जो होती है वो निर्माण करती है रुधिराणु का। और अस्थि मज्जा भी जो होती है दो प्रकार की होती है, लाल अस्थि मज्जा, पीली अस्थि मज्जा। लाल जो होती है लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करती है, पीली जो होती है वो श्वेत का करती है। और अस्थि मज्जा का मतलब क्या है, जो लंबी लंबी हड्डियां होती है ना, उनके बीच में थोड़ा सा क्वार्टर के रूप में गुहा होती है और उसी गुहा के अंदर द्रव भरा होता है, जिसे हम अस्थि मज्जा कहते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं, लिगामेंट जोड़ता हड्डी से हड्डी को, पेशी से पेशी को, या हड्डी को पेशी से, या फिर पेशी को उपास्थि से। तो देखिए लिगामेंट जो होता है ना वो जोड़ता है हड्डी से हड्डी को, यानी कि ऑप्शन ए हमारा इसमें सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है, कैसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है, पत्ती, पंखुड़ी, बाह्य दल या फिर वर्तिकाग्र। तो यहाँ पर उपयोग में लाया जाता है कैसर मसाला बनाने के लिए वर्तिकाग्र, क्योंकि जो कैसर का फूल होता है उसमें जो वर्तिकाग्र होते हैं उन्हीं को तोड़ा जाता है और उन्हीं से कैसर का मसाला जो होता है वो बनाया जाता है। चलिए आगे जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अफीम पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है। तो ये फूल, पत्ते, अदभ के फल या मूल से। तो जो अदभ का फल होता ना उसी से अफीम जो होता है वो प्राप्त किया जाता है, क्योंकि अदभ का फल जो होता है उसके अंदर चीरा लगाकर उसके दूध को उनसे ये प्राप्त होता है। आगे बात करते हैं, पुष्प के सुखाई गई कलियों का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है। तो पुष्प के सुखाई गई कलियां जो होती है उन्हें हम लौंग कहते हैं और ये मसाले के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो होगा हमारा सही उत्तर होगा। चलिए गाजर का रंग जो होता है किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है, क्लोरोफिल, फाइकोसाइनिन, फाइक्रोथिन या फिर कैरोटीन। तो गाजर का जो रंग होता है ये होता है कैरोटीन के कारण से। तो जैसे हम गाजर का रंग देखते हैं थोड़ा सा लाल पन लिए हो कलर होता है, तो वो कैरोटीन की वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है, डीएनए के दो स्ट्रैंड बंधे होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स, संसर्जक बॉन्ड्स, स्थिरत्व या वंडरवाल्स। तो डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं ना इनके बीच में बंध जो होता है ना हाइड्रोजन बंध इसमें होता है। चलिए आगे जाते हैं अगले क्वेश्चन। हरे रंग का वह पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है, निम्नलिखित में से कौन है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि हरे रंग का है तो वो और पौधों में होता है वो क्लोरोफिल होता है, जो कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण करके भोजन निर्माण में मदद करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद होता है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण क्या क्रिया है, वो जिसमें पौधे अपना भोजन बनाते हैं सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है ना। और जब वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो वहां पर वो अपना भोजन यानी कि कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और साथ में जो ऑक्सीजन होते हैं वो भी वो छोड़ते हैं। तो चूंकि उनका भोजन मुख्य है इनके लिए, तो यहाँ पर देखिए कार्बोहाइड्रेट भी लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी लिखा है, ऑक्सीजन भी लिखा है, जल भी लिखा है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि उसका अंतिम उत्पाद जो होगा उनका कार्बोहाइड्रेट होगा प्रकाश संश्लेषण का, हालांकि वो O2 भी मुक्त उसमें करते हैं। चलिए आगे जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण में होता है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या पराग्जिसोम्स में। तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है हम जानते हैं कि पत्तियों के अंदर हरा वर्णक होता है वो होता है, पर उसमें भी जो एक अंग होता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो ऑप्शन जो सी होगा यहां पर हमारा सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है। तो हम जानते हैं कि जो लाल प्रकाश होता है इसमें प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है वो सबसे ज्यादा होती है। तो यहां पर सबसे अधिक प्रभावकारी होगा लाल रंग।
अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा टमाटर के रंग के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी होता है? कैरोटीन, एंथोसाइनिन या फिर लाइकोपिन या फिर डीहा, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इसके लिए जिम्मेदार जो होता है वो होता है लाइकोपिन। ऑप्शन सी यहां पर हमारा सही उत्तर होगा। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग लाया जाता है? तो केसर मसाला, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, वर्तिकाग्र में लाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, मनुष्य का यकृत क्षीण हो जाए तो इसमें रुधिर में इनमें से किसकी मात्रा बढ़ने की संभावना होगी? तो देखिए, यकृत जो होता है वो कार्य करता है अमोनिया को यूरिया में बदलने का। तो निश्चित रूप से हमारे शरीर के अंदर जब यकृत क्षीण हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो हमारे रक्त में अमोनिया जो होगा उसकी मात्रा बढ़ने लगेगी। तो यहां पर हम कह सकते हैं अमोनिया। अगला क्वेश्चन है, यूरिया का संश्लेषण होता है तो यकृत जो होता है इसी के अंदर यूरिया का संश्लेषण होता है, क्योंकि अमोनिया से यूरिया को कन्वर्ट करने का कार्य यकृत ही करता है। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जब हम क्रोध या शर्मिंदगी या चिंता में होते हैं तब हमारे शरीर का कौन सा हार्मोन तनाव समायोजन में हमारी मदद करता है? तो इंसुलिन, एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन या फिर एड्रेनलिन। तो वो हार्मोन से होता है एड्रेनलिन हार्मोन, इसे हम संकटकालीन हार्मोन भी कहते हैं। और ये हार्मोन जो होता है हमारे समायोजन में काफी हमारी मदद करता है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, यहाँ पर दूध के दही के रूप में जमने का जो कारण होता है, तो दूध के दही के रूप में जमने का जो कारण होता है वो माइक्रोबैक्टीरियम या फिर स्टेफाइलोकोकस या फिर लैक्टोबैसिलस या फिर डी यीस्ट। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं लैक्टोबैसिलस ही वो जीवाणु होता है जो दूध को दही में परिवर्तित करने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन आता है, फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नाइट्रोजन स्त्रीकारक जीवाणु कौन से होते हैं? मृतोपजीवी, परासरी, सहजीवी या फिर प्रोटोपघटनी। तो यहां पर हम कहेंगे कि वो जीवाणु जो होते हैं वो सहजीवी जीवाणु होते हैं, और जो पौधों की जड़ों से पोषक लेते हैं और बदले में पौधे की जड़ों को वो नाइट्रोजन स्त्रीकरण की क्रिया करके नाइट्रोजन नाइट्रेट और नाइट्राइट देते हैं। चलिए ऑप्शन सी यहां पर हमारा सही उत्तर होगा। एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु के द्वारा होता है वो जो है, ठीक है ना, मतलब एड्स यहाँ पर मानव के अंदर जो रोग होता है वो किस विषाणु के द्वारा होता है? रेट्रोवायरस, लेंटोवायरस या फिर अर्बोवायरस या प्रतिरक्षा विषाणु। तो देखिए एचआईवी वायरस जो होता है उसे रेट्रोवायरस के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन ई यहाँ पर हमारा इसमें सही उत्तर होगा, रेट्रोवायरस। जंतु में होने वाला फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोवा या फिर विषाणु। तो ये फूट एंड माउथ रोग जो होता है ये होता है विषाणु के माध्यम से। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि विषाणु के द्वारा होने वाला ये रोग होता है, ऑप्शन डी। चलिए, डीएनए के द्विसूत्री संरचना का पता लगाया था मॉर्गन डी ब्रिज, हरवन गोविंद खुराना या फिर वाटसन और क्रिक ने। तो निश्चित रूप से वाटसन क्रिक ने डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना का पता लगाया था। तो यहां पर ऑप्शन जो डी होगा यहां पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है? सुखाया हुआ प्रकरण, सुखाया हुआ मूल, सुखाया हुआ फल या फिर डी है बीज। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये सुखाया हुआ प्रकरण होता है जिसे पीसा जाता है और उसी से हल्दी को प्राप्त किया जाता है। चलिए ऑप्शन ए यहाँ पर उत्तर हो जाता है। प्याज में खाद्य भाग है तो प्याज के अंदर मांसल, पर्ण, जड़, तना, पुष्प। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि प्याज जो होता है, हालांकि पत्तियां भी खाई जाती है प्याज की, मांसल पर्ण जो होती है उन्हें भी खाया जाता है, पर यदि हम नीचे के भाग को देखें तो वो एक तने का ही रूप होता है, तने का ही होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो होगा हमारा सही उत्तर होगा, तना। पादप ऊपर चढ़ते हैं प्रतान के द्वारा, जड़ों के द्वारा, स्त्री के सर, शाखाओं के द्वारा। तो पादप जो होते हैं ऊपर चढ़ते हैं वो चढ़ते हैं प्रतान के द्वारा, ऑप्शन जो ए होगा हमारा सही उत्तर होगा। अब देखिए प्रतान क्या होता है, तो प्रतान जो पौधों के अंदर इस प्रकार की बेल वाले पौधे जो होते हैं ना उनके अंदर इस प्रकार के प्रतान पाए जाते हैं, इन्हीं को हम टेंड्रिल भी कहा जाते हैं, ठीक है ना, टेंड्रिल भी कहा जाता है। चलिए और प्रतान भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? शैवाल, कवक, लाइकेन या फर्न। तो यहां पर प्रदूषण संकेतक पौधे जो होते हैं लाइकेन होते हैं, ऑप्शन जो सी होगा यहां पर सही उत्तर होगा। चलिए
अगला क्वेश्चन है, और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये कौन सा प्रदूषण का संकेत देता है, तो ये वायु प्रदूषण संकेतक होता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं लाइकेन। कीटों का प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है यूरिया, अमोनिया, इग्वानिन या फिर यूरिक अम्ल। तो कीटों का जो प्रमुख उत्सर्जी अंग, उत्सर्जी पदार्थ, सॉरी अंग नहीं उत्सर्जी पदार्थ, तो वो होता है यूरिक अम्ल, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है पक्षियों का उत्सर्जी, तो कीट और पक्षियों का जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो यूरिक अम्ल ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है क्रैब हैंसलेट चक्र जो होता है ये कहां पर होता है और क्यों होता है, तो ये हमें पहचानना है। वृक्षों में मूत्र सृजन के लिए, वृक्षों में यूरिया संश्लेषण के लिए कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन, या फिर यकृत में यूरिया के संश्लेषण के लिए। तो क्रैब चक्र जिसे आर्निथिन चक्र, आर्निथिन चक्र के नाम से भी जाना जाता है, तो ये होता है यकृत में और यूरिया संश्लेषण है तो ये होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है डायूरेसिस में क्या होता है, ग्लूकोज का उत्सर्जन बढ़ जाता है, मूत्र की मात्रा घट जाती है, विद्युत अपघटनीय संतुलन बिगड़ जाता है, या डी है मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है। तो निश्चित डायूरेसिस के अंदर मूत्र की मात्रा जो होती है वो बढ़ जाती है, ऑप्शन डी। मूत्र की मात्रा का नियंत्रक है एडीएचएम एल्डोस्टेरॉन, एडीएच एल्डोस्टेरॉन या फैडीच एल्डोस्टेरॉन एंड टेस्टोस्टेरॉन। तो यहां पर जो मूत्र की मात्रा का नियंत्रक होता है वो होता है एडीएच व एल्डोस्टेरॉन, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर हाउस प्लांट कहा जाता है, तो निश्चित रूप से बहुत बार सिंपल सा क्वेश्चन है माइटोकांड्रिया जो होता है इसे पावर हाउस के नाम से जाना जाता है, पावर प्लांट भी इसे कहा जाता है, क्योंकि ये कोशिका के अंदर ऊर्जा उत्पादन करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है पपीते में पीले रंग का कारण होता है पेपेन, लाइकोपीन, कैरिथोजिन, कैरिकाजेंथिन या फिर डी है कैरोटीन। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि कैरिकाजेंथिन जो होता है ये पपीता के अंदर पीले रंग का कारण होता है। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण होता है लाइकोपिन की उपस्थिति, कैप्सिन की उपस्थिति, कैरोटीन की या फिर एंथोसाइनिन की। तो मिर्च के अंदर जो तो कैप्सिन की उपस्थिति होती है उसी के कारण से मिर्च के अंदर तीखापन आता है, ऑप्शन जो बी होगा यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कौन से पौधे नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है, कौन से पौधे में चावल एवं गेहूं, मक्का एवं गन्ना, जूट चावल या फिर चना एवं अन्य दलहल। तो चना और अन्य दलहनी पौधे जो होते हैं इन्हीं के जड़ों में गांठे होती है और उसी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु भी पाए जाते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर हमारा सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे का हार्मोन नहीं है, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और सी है कैल्शियम। तो कैल्शियम जो होता है एक तत्व है, ये हार्मोन्स नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने का वाला हार्मोन्स होता है, कैरेटीन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, एथिलीन। तो एथिलीन जो होता है ये एक प्रकार का प्राकृतिक फल पकाने के लिए वाले हार्मोन के रूप में भी उपयोग में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आलू किसका संशोधित रूप होता है, जड़, पत्ती या फूल या तना। तो आलू जो होता है ये संशोधित रूप होता है तने का, तो ऑप्शन जो डी होगा यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर आज के हमारे जो पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन थे ये समाप्त होते हैं, और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं जल्दी ही एक और नए किसी अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।